तो गाइस आप लोग इधर पे मतलब बोर नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ये आपके साथ में कुछ ज्यादा खेलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि नजर में फुल ट्रेन है। और यहाँ पर टोटल 4 कमरे हैं जिसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, और यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ की फैसिलिटी है अच्छा खासा। तो यहाँ पर फैमिली भी आ सकती है, फ्रेंड्स लोग भी आ सकते हैं। तो गाइस ये है बेडरूम नंबर 2 जो कि ऊपर की मंजिल के आई है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, जैसे कि टीवी वॉल पे नहीं स्टैंड पे है। और दूसरा ये कर्टन्स, आपको कर्टन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दो चेंजेस होगा यहाँ पर गाइस, जैसे कि टीवी हो गया कर्टन्स हो गया, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप साहब। सो गाइस गर्मी में बहुत ज़्यादा आप हो परेशान, मतलब आप चाहते हो कि कहीं जाके छुट्टियां मनाना अपने फ्रेंड्स या फैमिली साथ में, तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट लेके गाइस, बेफिक्र हो जाओ, एनके कब काम आएगा, एनके आपको सब बताया गाइस सब चीज़। तो चलो आज मैं आप लोगों को ना बहुत अच्छे से रिजॉर्ट पे लेके जाने वाला हूँ, वो फैमिली और फ्रेंड लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ना बेस्ट है, और वो कहाँ पर है ये भी आपको पता चलेगा गाइस। तो चलो बिना देर करे इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको सब कुछ जानकारी दूंगा गाइस इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं पहले हम रिजॉर्ट पे। तो गाइस जो रिजॉर्ट की बात मैं करता, फाइनली वो जगह मैं पहुँच गया हूँ, और इस रिजॉर्ट में आपको मैं सब कुछ दिखाने से पहले मैं आपको ना डॉगी स्मेल रहता हूँ, वो डॉगी लेना अभी यहीं पर ही है, उस साथ मैं उसको बुलाता हूँ, उससे मिलवाता हूँ, और फिर इस वीडियो को मैं ना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस आप लोग इधर पे मतलब बोर नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ये आपके साथ में कुछ ज्यादा खेलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि नजर में फुल ट्रेन है, इसको ट्रेन किया गया वो हिसाब से, और आप इसके साथ में ना बिल्कुल खेल सकते हो जैसे कि मैं खेल रहा हूँ। मुझे भी ये नहीं जानता है कैसा है कि ये लोगों ना पूरा ना ट्रेन किया गया है, वो डॉगी को भी और इसको भी। तो अगर आप ऐसा कुछ ना मस्ती करना चाहो, फन करना चाहो, खेलना चाहो, तो आप इनके साथ में खेल सकते हो, बॉल वगैरह भी लेके आओगे बास्केटबॉल तो भी खेल सकते हो, जैसे मैं खेल रहा, देखो अभी वापस देखना क्या। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है फिलहाल, मैंने आपको ये बाहर से दिखा दिया हूँ, अभी हम लोग चलेंगे अंदर कमरे में चलेंगे, और फिर मैं आपको ना पूरा दिखाता हूँ। देखो इसको खेलने का और है, और खेलने का है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप लोग मुझे बताना ये रिजॉर्ट आपको कैसा लगा, बाहर से इसका व्यू कुछ ऐसा है, और अभी मैं आपको ना अंदर लेके चलूँगा, और अंदर भी आप लोग ना सारे कमरे देखो, और फिर उसके बाद मुझे बताओ आपको ये कैसा लगा। हाँ तो देखिए गाइस कैसा मतलब ये डॉगी कैसा मतलब मस्ती करता है बहुत ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल भी ना यहाँ पर ना बोर नहीं लगेगा, काफ़ी रॉयल फील यहाँ पर आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट है ना, उस रिजॉर्ट में अगर मैं बोलूँ अलीबाग में, तो ये तीसरे नंबर पे ना ये ना विला है, मतलब तीसरे नंबर पे ये विला आता है, ठीक है। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा आप ना फन मस्ती कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा गाइस। और यहाँ पर देखो ये कैट भी है, ठीक है, काफ़ी मुझे लेजी लग रहा है, लेजी है क्या, चल पूछे कैट। तो गाइस यहाँ पर देख लो, ये देखो वापस से स्टार्ट, अब ये लोग अपना आप अलग ही मस्ती करेंगे, ठीक है। तो ये रिजॉर्ट मैं दिखा दूँ आप लोग बाहर से, हाँ मेरे सास ने अभी ना चढ़ गए गाइस मस्ती करके, तो व्यू देखो सबसे पहले गाइस यहाँ का कुछ ये ऐसा व्यू दिखेगा, ये देख लो ये बाहर का व्यू है। और यहाँ पर टोटल 4 कमरे हैं जिसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ठीक है, तो ये 3 कमरा यहाँ पर है। और उसके बाद में अगर आपको पार्टी शार्टी करना है रात के टाइम पे, या फिर आपका जब भी मूड हो, तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। इधर पे किचन है, और ठीक है यहाँ पर ना मतलब म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ है, डिस्को पार्किंग लाइट सारी चीज़ें यहाँ पर है। हाँ आप बोर बिल्कुल भी नहीं होगे वैसे भी, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया हूँ कितने अच्छे यहाँ पर ना पैड्स वगैरह हैं, और आप चेस भी खेल सकते हो, कैरम भी खेल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कितनी भी बड़ी फैमिली हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा डाइनिंग टेबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर गाइस स्विमिंग पूल भी है, आप आराम से यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हो, बच्चों के लिए ये है, बड़ों के लिए वो है, ठीक है, तो बच्चे भी यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे का क्या होगा,
सब चीजें ख्याल रखा गया है यहाँ पर, तो बड़े लोग यहाँ से जा सकते हैं और बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये स्विमिंग पूल हो गया। और उसके साथ में गाइस यहाँ पर और भी चीज़ें, जैसे कि ये छोटा सा गार्डन हो गया, और हम जैसे यहाँ से जाते हैं बाहर साइड तो आपको एक पिंजरा देखने मिलेगा गाइस, उसमें आपको ना उसमें गाइस आप लोगों को ये पैरट देखने मिल जाएगा। तो गाइस देख लो, जैसे कि बाहर का मतलब ये व्यू है, आप बाहर से व्यू देख लियो। अब मैं आप लोगों लेके चलता हूँ अंदर, और फिर उसके लिए मैं आप लोगों के लिए गाइस यहाँ पर मॉर्निंग तक रुक रहा हूँ, आपको सिर्फ ये विला और व्यू दिखाने के लिए कि इवनिंग व्यू कुछ ऐसा दिखने में दिखता है। ये देखो, ये इवनिंग टाइम है तो कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा, और यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ की फैसिलिटी है अच्छा खासा। तो यहाँ पर फैमिली भी आ सकती है, फ्रेंड्स लोग भी आ सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप बुक करते हो तो ऐसा नहीं कि हमने एक कमरा बुक किया, नहीं, ये पूरा विला ही ना बुक होता है, आपके बीच में कोई तीसरा बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, सिर्फ आपके ही लोग यहाँ पर रहेंगे और किसी को ना एंट्री नहीं है। अगर आपने एक बार इसको ना मतलब बुक करते हो तो कोई दूसरा बंदा इधर पर आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ये आपके लिए है प्राइवेट। तो चलो गाइस अब चलते हैं हम लोग सीधा कमरे के अंदर, अंदर से देखो। तो गाइस अंदर से कमरा दिखने में कुछ आपको ये ऐसा दिखेगा, जिसमें हमें सबसे पहले देखने मिलता है हमारा बेड प्यारा सा, और उसके बाद में दिखता है हमको छोटा सा एक सोफा, और उसी के साथ में गाइस हमारे लिए मिरर तो हर जगह होना जरूरी है, क्योंकि हम इसको ही देख के बन सवरते हैं। और कबर्ड भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ टीवी, वाईफाई भी है गाइस, आपके लिए वाईफाई भी है यहाँ पर। और एक बार मुझे बताना भाई गाइस कमेंट में मैं कैसा लग रहा हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, और उसके साथ साथ ये आपको रिजॉर्ट भी कैसा लगा है वो भी आप मुझे बताना। अब चलेंगे सीधा बाथरूम में, जिसमें आपको शावर और वो सारी चीज़ें जो हमको बाथरूम में चाहिए होती है आप लोग देख सकते हो। और अब चलेंगे हम गाइस दूसरे बेडरूम में, फिलहाल यह बेडरूम वन था। तो आपको कैसा लगा गाइस ये बेडरूम कमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर बताएं। एम के आपको ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करता है फिर विश्वास करता है और उसके साथ में आपको फिर बताता है। तो गाइस मेरा को जब भी कुछ भी पार्टी शार्टी करनी होती है मैं क्लियर बोल दूँ तो मतलब मैं इसी रिजॉर्ट पे आता हूँ। इससे पहले भी आप लोगों ने मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम आके देखा होगा, पहले भी मेरी वीडियो है। तो ठीक है, अभी ये पहला बेडरूम था और अब हम चलेंगे दूसरे बेडरूम में, तो चलो चलते हैं। तो गाइस ये है बेडरूम नंबर टू, जो है कि ऊपर की मंजिल क्या है ये, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, जैसे कि टीवी वॉल पे नहीं स्टैंड पे है, और दूसरा ये कर्टन्स, आपको कर्टन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दो चेंजेस होगा यहाँ पर गाइस, जैसे कि टीवी हो गया कर्टन्स हो गया, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर, बेड सेम सोफ़ा, वही हमारा कवर्ड मिरर बाथरूम। और गाइस आपको अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शन करना हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस विले में विजिट आप लोग ना जरूर कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग मेरे नाम से अगर कॉन्टेक्ट करके आते हो तो आपको अच्छा खासा का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी फंक्शन कर सकते हो फैमिली के साथ में, या आप अपने फ्रेंड के साथ में मतलब किसी के साथ भी आते हो तो ये पूरा विला मतलब आपके नाम पर रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब हमको एक ही कमरा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक बार बुक करते हो तो उसमें दूसरा बंदा मतलब नहीं आ सकता है, बाहर का किसी की भी एंट्री नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, अगर हम दूसरे विले में आते तो क्या होता है कि कुछ और लोग भी हमको मिल जाते हैं, बट इधर पे क्या है कि प्राइवेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बुक किया तो पूरा विला आपके नाम पे रहेगा, अब वो आपके ऊपर है, आपको एक दिन के लिए लेना है, दो दिन तीन दिन, वो आपके ऊपर है। आप लोग इस बारे में एक बार बात कर सकते हो, आप लोग एक बार ना कॉन्टेक्ट करके इधर पर ज़रूर आएँ, इंजॉय करें, बहुत ही अच्छा विला है। मैं आपको यहाँ पर ना मॉर्निंग व्यू भी दिखा देता हूँ गाइस, कि मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा और कितना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप लोगों ने गाइस विजिट जरूर करना, तो मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, और चलो अब मैं यहाँ से आपको ना व्यू दिखाता हूँ कि मॉर्निंग का व्यू कैसा दिखता है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों साइड का व्यू कैसा आपको दिखता है, फिर उसके बाद आप लोग मुझे कॉमेंट बताना कि आपको लोकेशन कैसा लगा। तो चलो चलते हैं गाइस।
जब आप गाइस ऊपर से आए, जैसे ही आप निकलोगे बाहर की तरफ, तो कुछ आपको व्यू बैक साइड से ये ऐसे देखने मिलेगा। ये देखिए, ये है मॉर्निंग व्यू, और ये इस वक्त ना पीछे के साइड का है, बैक साइड का। ये कितना सुकून है गाइस यहाँ पर। और उसके साथ ही हम आगे चलेंगे, और आगे व्यू देखो फ्रंट साइड, ये है फ्रंट साइड का व्यू। तो गाइस अब आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपको ये विला कैसा लगा, और एक बार विजिट जरूर करें गाइस। आप चाहे गर्मियों में आओ या फिर ठंडी में आओ, बारिश में आओ, आप जो कोई भी सीज़न या कोई भी मौसम में आते हो गाइस, आप अपने हिसाब से एक अलग ही फील करोगे और एक अलग ही इंजॉय यहाँ से करके जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून और शांति है, और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है ये सारा व्यू देख के। तो गाइस मैंने आपको इवनिंग व्यू भी दिखा दिया हूँ, मॉर्निंग व्यू भी दिखा दिया हूँ। आप इधर आते हो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि जगह है ही इतनी अच्छी। तो मैं आपको यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर फिर से बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उनसे बात करके इधर पे आ सकते हो। आओ एक बार इधर पे विज़िट करो। और गाइस ये आपको विला कैसा लगा आप लोग मुझे फिर से बोलो, मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो चलो गाइस आप फिलहाल यहाँ से मैं चलता हूँ गाइस। और एक चीज़, अगर जैसा आप ना मॉर्निंग आप उठते हो तो से आपको और भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि देखो ये ना गाँव है, देखो तो कुछ ऐसा भी देखने मिलेगा आपको। ये देखो छोटी सी झोपड़ी, मतलब क्या मैं बताऊँ यहाँ पर, अगर बात करूँ मैं हर एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ना, अगर मैं देखता हूँ तो जितना मैं बताऊँ उतना कम है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग ज़रूर ना विज़िट कीजिए, क्या पता मुझ में उसमें कुछ ऐसा दिखाने में जो मिस हो गया हो, जो मैं ना दिखा पाया हूँ, और वो आप इधर पे आओ, आपको वो चीज़ भी दिखे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। और मॉर्निंग टाइम आपको गाइस कुछ ऐसा भी सुनने मिलेगा, पंछी की आवाज़ें, जो कि सुनने में काफ़ी अमेजिंग और ऑसम लगता है। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहाँ मैं करता हूँ एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ओके सो बाय। Thank you.